बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। कई फिल्में बनी, मसान, मांझी, बैंडिट क्वीन, सुपर 30, लिस्ट मतलब बहुत लंबी है। और 15 अगस्त पर एक बार फिर एक नई फिल्म आई है जो सामाजिक भेदभाव को दर्शाती है, जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म वेदा। बॉलीवुड में कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो ऊंच नीच, सामाजिक भेदभाव, ऑनर किलिंग और स्त्री उत्पीड़न जैसी टॉपिक्स को सीरियसली लेकर इस पर फिल्में बनाते हैं। डायरेक्टर निखिल अडवाणी ने भी अपनी मूवी वेदा के जरिए सामाजिक भेदभाव को दिखाने की कोशिश की है और वो इसमें कितना सक्सेसफुल रहे, आइए जानते हैं। हेलो नमस्ते, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा आनंद और आप देख रहे हैं जागरण.com। अगर आपने अभी तक दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि कहीं कोई मसाला मिस ना हो जाए। फिल्म डायरेक्टर निखिल अडवाणी पहले भी कई बार सच्ची घटना पर आधारित फिल्में बना चुके हैं और वेदा भी 2007 के मनोज बबली और 2011 मीनाक्षी ऑनर किलिंग से इंस्पायर्ड बताई जा रही है। हालांकि राइटर असीम अरोड़ा इस कहानी में ना तो ऑनर किलिंग को और ना ही असमानता का सामना करने वालों की पीड़ा को सही तरीके से दिखा पाते हैं। मूवी में बहुत बड़ी एक्शन है, इमोशंस हैं और कुछ सीन्स में तो आपके आंसू भी निकलेंगे, लेकिन रिसर्च और राइटिंग थोड़ी वीक लगी मुझे। स्टोरी काफी प्रेडिक्टेबल है, पहले भी इस टाइप की मूवीज आप देख चुके होंगे, नेक्स्ट क्या होने वाला है ये आप इजीली गेस कर पाएंगे, लेकिन टॉपिक सेंसिटिव है और एक्टर्स की परफॉर्मेंस अपने कैरेक्टर को बखूबी जस्टिस देती है। कहानी है कि पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ने के लिए भारतीय सेना अधिकारी अभिमन्यु कुंवर, जिसका किरदार निभाया है जॉन अब्राहम, ने एक खास मिशन के तहत पाक अधिकृत कश्मीर जाता है। वह अपने मिशन में कामयाब रहता है, लेकिन अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स फॉलो ना करने पर उसको सेना से बर्खास्त कर दिया जाता है। वो फिर बाड़मेर जो राजस्थान में आता है वो वहां जाता है और अपने ससुर की मदद से कॉलेज में बॉक्सिंग का असिस्टेंट कोच बन जाता है। उसकी पत्नी, जिसका किरदार निभाया है तमन्ना भाटिया ने, उसको आतंकियों ने मार दिया होता है। जिस कॉलेज में वो बॉक्सिंग का असिस्टेंट कोच बनता है वहां उसे एक लड़की मिलती है जिसे बॉक्सिंग में इंटरेस्ट होता है, वेदा, जिसका किरदार निभाया है शर्वरी ने। वो एक दलित है। फिल्म की लीड कहो या फिल्म की जान शर्वरी ही है, पूरी फिल्म उसी के इर्द गिर्द घूमती है। शर्वरी को आपने शायद पहले मुंजिया में देखा होगा जहाँ उसका रोल थोड़ा छोटा था, बट इन वेदा शी स्टोल्स द शो। जिले की 150 गांव का प्रधान जितेंद्र प्रताप सिंह, जिसका किरदार निभाया है अभिषेक बैनर्जी ने, और क्या कैरेक्टर प्ले किया है, मतलब बहुत ही बढ़िया। अभिषेक को आपने ज्यादातर फन कैरेक्टर्स में या साइको कैरेक्टर्स में देखा होगा, लेकिन बट जो रोल उन्होंने इस फिल्म में निभाया है उसके लिए तालियां तो बनती हैं। फिल्म में उनके छोटे भाई सुयोग प्रताप सिंह, जिसका किरदार निभाया है क्षितिज चौहान ने, अपने दोस्तों के साथ वो वेदा को अक्सर परेशान करते रहते हैं। वेदा फिल्म में दो ऐसे किरदार हैं जिसकी एक्टिंग आपको बहुत सरप्राइज करेगी। पहला छोटा भाई सुयोग प्रताप सिंह और दूसरा उनके पिता, जिसका किरदार निभाया है आशीष विद्यार्थी ने। उनके वन लाइनर सुनकर आपको बड़ा मजा आने वाला है। फिल्म में कुछ जगह मुझे लॉजिक की कमी लगी, जैसे कि दलित लड़की जो कभी गाड़ी में नहीं बैठी वो गाड़ी कैसे चला सकती है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। फिल्म में जॉन और शर्वरी का क्या बॉन्ड है, वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, ये भी मिसिंग था। वैसे जॉन के साथ बहुत जुल्म हुआ है भाई, माना उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, वो एक्शन बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनको गिनती के 15 से 20 डायलॉग दोगे। फिल्म में तमन्ना भाटिया का कैमियो भी है और काफी डिसेंट एक्टिंग की है उन्होंने। और फिल्म में एक गाना मौनी रॉय पर भी फिल्माया गया है, आइटम सॉन्ग मम्मी जी, जिसको आप अपनी मम्मी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। समझ रहे हो, समझ रहा। बात करें फिल्म के मुद्दे की तो वो काफी सेंसिटिव और सीरियस था, जो एक्शन मारधाड़ के बीच कहीं ना कहीं खो गया। मैं दूंगी इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार्स।